फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर जिला मेडिटेशन कमेटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह एवं सीएमओ एस के दीक्षित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक ब्लॉक से डीपीएमओ का डिप्टी सीएमओ कुलदीप सिंह तोमर व डिस्ट्रिक्ट डाटा प्रबंधक सुनील कुमार ने जायजा लिया। इसके बाद नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों की जांच की गई। इस दौरान डाटा फीड को लेकर मीटिंग की गई। स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी जांच कराई जाती है उनको लेकर मरीज के बारे में जानकारी दे कि कोई भी परेशानी हो उसकी जांच करवाकर डाटा फीड करवाए, जिससे मरीजों की जानकारी रखी जा सके। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार, जिला डाटा प्रबंधक। अच्छा, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? वैलिडेशन कमेटी की बैठक है आज। सारे ब्लॉक में बीपीएम एमसीटीएस ऑपरेटरों को बुलाया गया है, जो कि ये फैसिलिटीज वाइज रिपोर्टें डाल दी जाती हैं। ये दो हमारे पोर्टल बने हुए हैं, जिसमें से एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है, दूसरा स्टेट ने। UPHMIS स्टेट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है हमारा HMIS का है। इन दोनों में रिपोर्टें जो होती हैं ये फैसिलिटीज वाइज रिपोर्टें डाली जाती हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं या हमारे जो भी हम दे रहे हैं सुविधाएँ, उस वो सारी रिपोर्टें इसमें डाली जाती हैं। और जो मैनुअल रिपोर्टें हमारे पास आती हैं वो इन दोनों का मिलान किया जा रहा है आज यहाँ बैठा लग के, कि ये जो रिपोर्टें डाली गई हैं क्या इनमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर अंतर है तो उनको दूर किया जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह तोमर है। अच्छा, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? हम वैलिडेशन जो कमेटी मीटिंग होती है वो हम रखते हुए हैं, सीएमओ साहब और डीएम साहब के आदेशान साहब। उसमें हम लोग अपने जो विभागीय डिपार्टमेंट, कई उसमें रिपोर्ट जाती है, HIMS है, EPHIMS है, ERO साहब, उनका वैलिडेशन करते हैं कि रिपोर्ट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं हम लोग ब्लॉक वाइज। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया है पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नौकरी, निजी हॉस्पिटल व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। तो आज ही आइए और लीजिए दाखिला पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में।